नमस्कार। और एक और MIR4 का वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले बार जहां से हम लोग कवर किए थे, थोड़ा सा कवर किए थे, आज एक बार और हम लोग थोड़ा सा उसी पे बात करेंगे कि कैसे डार्क स्टील को किस तरह से ड्रेको में चेंज किया जाता है। कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए थे कि ये प्रोसेस कैसे होता है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। तो स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं धीरे धीरे इसको कैसे करके करना है। तो पहला स्टेप तो है कि आपके पास डार्क स्टील होने चाहिए। अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 5 लाख डार्क स्टील, ये आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ नीचे कॉर्नर में एक्स ड्रेको का ऑप्शन है और उसमें जाके आप ड्रेको में क्लिक करेंगे नीचे में, तो यहाँ से आपको दिखेगा, ये बताएगा कि ये ड्रेको स्मेल्टर है। जनरली ये अमाउंट जो है ये थोड़ा सा वेरी करता है। आपको मिनिमम 5 लाख डार्क स्टील चाहिए ही, वो रहेगा तभी वो स्मेल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। लेकिन जो कन्वर्ट होता है वो अभी जो रेट बता रहा है 3,68,000, जो कि एक लोअर साइड में जनरली 4 लाख के आसपास रहता है। तो ये अच्छा है, 3,68,000 पे आप एक ड्रेको बना सकते हैं आज के डेट पे। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास 2 ड्रेको ऑलरेडी है, तो हमने ये पहले भी कन्वर्ट किया था और अभी एक और हम स्मेल्ट करेंगे। तो आपका ये स्टेप आने से पहले आपको बताया जाएगा कि आपको वीमिक्स का जो अकाउंट है उसको कनेक्ट करना है। उसके लिए आप अपना मोबाइल पे प्ले स्टोर पर जाएँ, प्ले स्टोर में जाके वीमिक्स का वॉलेट डाउनलोड करें और वो करने के बाद आप यहाँ पे उसको कनेक्ट करेंगे और उसके बाद ये स्मेल्ट होगा, क्योंकि हम लोग वो कर चुके हैं वो प्रोसेस। तो हम लोग अब डायरेक्ट जाते हैं स्मेल्टिंग में और अब हम स्मेल्ट करने वाले हैं। और ये पूछ रहा है कितना करना है, तो क्योंकि हम एक ही कर सकते हैं तो हमें वही करना है। हो रहा है और जैसा कि देख रहे हैं ये प्रोसेस चल रहा है, और क्योंकि शायद हमारा नेट स्लो होगा या ग्राफिक कार्ड बिजी होगा, गेम चल रही है तो हो सकता है इसलिए थोड़ा सा स्लो हो, बट जनरली ये हो जाता है। तो ये अब बता रही है कि आपको वीमिक्स को कनेक्ट करना है, तो हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड है लेकिन ये फिर भी दोबारा बता रही है, तो हम लोग दोबारा से जो है इसको कनेक्ट करेंगे। आप किसी भी तरह से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, हमारा तो साइन इन है गूगल में, तो हम वही करने वाले हैं। पासवर्ड के लिए बोल रही है ताकि एक वो चेक हो जाए, और इसमें हम लोग पासवर्ड डालेंगे दोबारा, ताकि आपका ये वीमिक्स का पासवर्ड आपको डालना है तो ये हम डाल देंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे आगे। तो अब पासवर्ड डाल चुके हैं और बस इसे अब वेरीफाई कर देना है। छोटा सा प्रोसेस है, वो चेक करता है और फिर तुरंत वो उसको स्मेल्ट करता है। और आप देख सकते हैं ऊपर, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे हमारा 500K था, वो 133K है। वहीं ड्रेको जो है हमारा 3 हो गया है। और ये एक रेगुलर प्रोसेस है, आप डार्क स्टील को आप माइन करें और फिर से वो ड्रेको में चेंज कर रहे हैं। जहाँ तक हम देखते हैं लगभग एक ड्रेको तो एक दिन में आराम से बन ही जाता है एक कैरेक्टर पर। अब यह है कि आप मल्टीपल कैरेक्टर्स करें तो फिर आपका ज़्यादा ड्रेको हो सकता है, बट जनरली हम तो एक ही कैरेक्टर से प्ले करते हैं तो एक ड्रेको तो आराम से एक दिन में हमारा निकल जाता है। तो ये प्रोसेस यही है, इससे आगे यहाँ पे कुछ और नहीं करना है। अब यह है कि ये ड्रेको आपका वीमिक्स में गया है। अगला स्टेप है वीमिक्स से किस तरह से उसे वीमिक्स को कन्वर्ट करके, मतलब आपके पास वीमिक्स में ड्रेको है,
तो उस रेको को किस तरह से कन्वर्ट करना है हमें, ताकि हमें वो पैसे बैंक अकाउंट में मिले, तो वो हम आगे आपको बताएंगे। तो इसके लिए इतना ही, हम लोग यहाँ से थोड़ा सा बैक कर जाते हैं। और बैक करने के बाद जैसा आप देख रहे हैं, माइनिंग जो है वो लगभग ऑटो पायलट पे, उस पर कुछ करना नहीं होता है। ये माइनिंग का प्रोसेस हमारा ऑलरेडी चल रहा है, और जैसा देख रहे हैं वो खुद ही माइन सर्च करता है, ये ऑटो पे सेट है, और काफ़ी सारे फ्री माइंस रहते हैं। और मैंने पहले भी आपको सजेस्ट किया था कि बीचेन वैली 2F पे आप माइन करें, बहुत सारे माइनिंग के ऑप्शन यहाँ पर आपको खाली मिलेंगे। थोड़ा सा कहीं कहीं पर रुकता है, जैसे ये रुका हुआ है, तो वैसे ही अगर आपका ये ख़त्म होता है और आसपास दूसरा माइन नहीं आता है, तो आपका कैरेक्टर भी थोड़ा सा स्टॉप लेगा, तो उस समय है कि आप बीच बीच में चेक करें और उसे खोज के एक माइनिंग का स्पॉट दे दें। और अगर वो नहीं करते हैं तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा देर बाद वो अपने ही आसपास कोई और माइनिंग का स्पॉट आएगा, तो फिर वो ऑटोमेटिकली उस पर शिफ्ट कर जाएगा। तो कुछ हद तक तो ऑटो पायलट पर है ये गेम। तो ठीक है, आज का वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसको स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ में देना है। तो आज का सिर्फ इतना ही था कि डार्क स्टील को कैसे करके ड्रेको में कन्वर्ट करना है। तो ये पहला स्टेप इतना ही रखते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगला स्टेप पे जाएंगे कि किस तरह से ड्रेको को, जो आपके पास आ गया है वीमिक्स वॉलेट में, आप किस तरह से ड्रेको को कन्वर्ट कर सकते हैं आगे, ताकि आप वो उसको बैंक अकाउंट पर ले जा सकें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, एक शॉर्ट वीडियो है, और आप इसको थोड़ा सा प्लीज़ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि क्या होगा कि इसके आगे का सीरीज़ का अपडेट्स आपको मिलेंगे। और हम लोग क्योंकि MIR4 को बहुत डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे हैं, तो कोई भी स्टेप मिस नहीं होगा। शुरू से ही आप सब्सक्राइब करके रखें, आपको अपडेट हर एक चीज़ का आपको अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, तब चलते हैं आज, धन्यवाद देखने के लिए।